किड्स पर्दा क्लासेस में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलटीसी की विज्ञप्ति जारी की गई है। आज हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने स्टेज पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, कौन कौन से बच्चे, खासकर आपको वो सवाल कि कितने परसेंट सीटी वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आपका कब भरा जाएगा, अप्लाई डेट क्या है, आपका एग्जाम कब होगा, इन सभी की चर्चा आज हम वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम इसका जो नोटिस है ऑफिशियल वो देखते हैं। देखिए, जो ये रिलीज हुआ था वो है 13 फरवरी 2024 को आपका नोटिस है जो रिलीज हुआ था, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे विभाग दे रखे, देखिए इसमें शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय, यहाँ पर इन सभी में आपके एलडीसी के पद पर विज्ञप्ति जारी की है। इसमें जो आपका शासन सचिवालय है उसमें 584 पद है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 61 पदों पर भर्ती निकाली गई है, और आपके यहाँ पर देखिए, और आपका राजस्थान अधीनस्थ विभाग है उसमें आपका 3552 पद है, टोटल मिलाकर 4197 पद पर आपके भर्ती निकाली गई है। आगे बढ़े तो जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर विभागों के नाम दे रखे, यहाँ पे पोस्ट के नाम दे रखे, यहाँ पर पदों की संख्या दे रखी है, टोटल पद है आपके 4197 पद है। अब देखते हैं इसका चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि एलडीसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू होगा। एज लिमिट की बात करें हम तो आवेदकों के सबसे पहले हम इसमें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन दोनों की बात करते हैं। देखिए, आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास करना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदकों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी भाषा में काम करने का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आवेदकों के पास राजस्थान की सामान्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। कहने का मतलब है सामान्य पात्रता सीईटी, वो भी कौन सा, 12th लेवल का सीईटी पास कर रखा है आपने, और उसमें इतने परसेंट नंबर आने चाहिए आपके जो आप इसमें फॉर्म भरने के योग्य हो सकते हो। तो भाई, इसमें ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी या फिर जनरल के कैंडिडेटों के पास, जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेटों में 40% वाले बच्चे जिनके 40% नंबर सीटी में आ रखे वो अप्लाई कर सकते हैं, एससी और एसटी वाले 36% वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो योग्य हैं, आप एलडीसी का फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से लेकर 40 साल में एज लिमिट रहने वाली है, और बाकी जो आपको वर्ग अनुसार जो छूट मिलती है ओबीसी वालों को, जैसे कि यहाँ पर 3 साल की, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट होगी। मिनिमम आपकी एज 18 और न्यूनतम आपकी एज लिमिट रहने वाली है 40 साल। यहाँ पर आपकी फीस दे रखी है, भाई आप जब फॉर्म भरते हो तो आपका कितना चार्ज लगेगा, तो सामान्य अनारक्षित कैंडिडेट के लिए फीस रहने वाली है 600 रुपये, और सभी आरक्षित श्रेणियों की फीस रहने वाली यहाँ पर 400 रुपये। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित से यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। दूसरा है आपका हिंदी और इंग्लिश से भी आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और ये भी आपका कितने का है, 100 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। अब हम बात करते हैं भाई इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा आपका। तो एग्जाम अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपका भरा जाएगा 20 फरवरी से लेकर, 20 फरवरी से लेकर आपका 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम की हम बात करें तो 11 अगस्त से बताया जा रहा है भाई कि 11 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम रहेगा। तो ये आपके फॉर्म और एग्जाम की डेट है।